फिर मैं उधर जाऊँ। तो भाई अभी मैं हिल्स के टॉप पे, अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो देख लो। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई जो भी मॉडिफाइड थार के दीवाने, आज मेरे पास एक ज़बरदस्ती क्रिएशन आई है मॉडिफाइड थार। मेरे एक भाई है, उन्हें एक थार लिया ब्रांड न्यू, उसको मॉडिफाई कराया है। तो बात करेंगे आज उन्होंने क्या क्या मॉडिफाई करवाया है गाड़ी में और क्या क्या नए फीचर्स डलवाए गाड़ी में। तो गाड़ी मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे है और मेरे पास है विजय भाई, इनकी गाड़ी है ये, भाई गुड़गांव से ही है। तो भाई आज ये बता दो, ये आपने मॉडिफाई जो जीप है ये कितने की ली है? मतलब ये भाई अप्रोक्सीमेटली 11 लाख के आसपास है। मतलब पूरा मॉडिफिकेशन होके कंप्लीट? नहीं नहीं, विदाउट मॉडिफिकेशन। विदाउट मॉडिफिकेशन 11 लाख का। और इसमें तकरीबन 2.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा एसेसरीज करवाई गई है। एक्स्ट्रा एसेसरीज कराई है। तो ये शोरूम प्राइस होगा ना जो, मतलब ये हाँ शोरूम प्राइस है 11 लाख। तो ये गाड़ी कितने सीसी में आप बता सकते हो? ये 2500 सीसी में है। तो भाई ये 2500 सीसी में, 2499 सीसी में, और जो फॉर्च्यूनर होती है वो 2700 में दे रखी है। हाँ तो ये टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल, ये गाड़ी का टॉप मॉडल है। उसके बाद भी भाई ने 2-2.5 लाख रुपए की इसमें एसेसरीज कराई है। गाड़ी एकदम बीस्ट लग रही है टोटली। मैं आप लोगों को पूरा वॉक अराउंड दिखा रहा हूँ। और हाँ, हम लोग पूरे हिल्स के टॉप पे है, यहाँ पे पूरा ऑफ रोडिंग किया है, वो भी आप लोगों को दिखाया होगा। नहीं दिखाया होगा तो आप भी मिल जाएगा कुछ ऑफ रोडिंग। कुछ एक ड्रोन शॉट भी आएंगे जबरदस्त है। तो भाई से बात करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन क्या कराया है। पहले तो भाई कांग्रेचुलेशन आपको जीप के लिए भाई। और तो चलो बता दो कुछ एक व्यूअर्स को कि भाई जो भी भाई, फर्स्टली तो ये है, ये एंग्री बर्ड ग्रिल है okay. जो फ्रंट में होती है, ठीक है। इससे थोड़ा सा लुक डैशिंग आता है इसका, गाड़ी का ना थोड़ा सा और डेंजर लुक आता है, डेंजर लुक आता है। और okay. मैं बता देता हूँ, सेकंड ये होती है इसमें बार लाइट। हाँ, सेकंड ये बार लाइट यहाँ पे लगाई हुई है। ये मैक्सिमम नाइट में यूज, बढ़िया यूज होती है, जिसमें फोकस अच्छा होता है। हाँ। जिससे दूर तक आप डिस्टेंसली देख पाते हो। ओके। नाइट में इसका मेन यूज होता है। ओके। दूसरा एक ये टायर चेंज करवाए मैंने। ओके। ये टायर इसमें आते थे 235 60 15 16 के, सॉरी। ओके। और ये मैंने 17 इंची टायर करवाया, 17 इंची टायर है। हाँ। और ये मैक्सिस के ऑफ रोडिंग टायर, ऑफ रोडिंग टायर है। मेरे को ना ये चीज ज्यादा वो लग रही है आजकल, ये क्या क्या बोलते हैं इसको, इसको रिम, ये नए डिजाइन का रिम आया एक। हाँ, तो भाई इसमें थोड़ा सा लुक बना रखा रिम का, लुक क्रिएट कर रखा है। हाँ। तो भाई आजकल थार में ये, सॉरी सही एंगल सही आ रहा है ना। हाँ, तो भाई आजकल थार में ये रिम ज्यादा चल रहा है क्योंकि अलॉय उतना प्रीफर नहीं कर रहे लोग। ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा अलॉय में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम आती है। हाँ। तो इसलिए ये व्हील्स अच्छा काम देते हैं। हाँ। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं गाड़ी के बाद आ जाते हैं। ये हार्ड टॉप है। ओके। ये हार्ड टॉप और सेमी हार्ड टॉप होता है, इसमें हार्ड टॉप होता है। ओके। ये हार्ड टॉप है, सेमी हार्ड टॉप में वो ये कपड़ा होता है यूज, इसमें प्योर प्लास्टिक यूज होता है। ओके, तो ये वाटरप्रूफ होगी, पानी वानी से कोई लीकेज नहीं आएगा, कोई लीकेज नहीं आता इसमें। ओके। ये पीछे से मैंने एंट्री करवा रखी है। ओके। इसमें आप इधर से फिक्स करवा के फ्रंट से भी एंट्री करवा सकते हो। राइट। हाँ, अभी मैंने सीट नॉर्मल रखी है बिल्कुल। ओके। ताकि जो लोग आराम से बैठ सके, उसमें कैबिनेट सीट में क्या होता है, उसमें दो पीछे दो आगे, उसमें चार ही कैंडिडेट बैठ पाएंगे। ब्रांड वाली डस्टिंग हो रही है क्योंकि हम अभी ऑफ रोडिंग करके आए हैं, मैं भाई रोहित। और ये नॉर्मल सीट है, यहाँ पे सनरूफ लगा रखा है। ओके। भाई पर इनको दिखा सकते हो। राइट। ये मैनुअली करवाया है, मैनुअली कराया। हाँ, क्योंकि ऑटो में जैमिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है और मैनुअल में आप इसको ओपन कर सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ एक बार ओपन करके। ओके। ये यहाँ से राइट ओपन,
और यहाँ से एक स्विच है, उसको आप निकाल सकते हो और फिर डायरेक्टली पूरा ओपन हो जाता है। हाँ, फिर वापिस आप इसको तो लीकेज तो नहीं होता ना इसमें? नहीं नहीं, इसमें कोई लीकेज नहीं होती। आप इसको जो ऑटो वाला होता है ना, उसमें थोड़ी सी लीकेज की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, जो ऑटोमेटिक होता है। हाँ, इसमें नहीं आती कोई नहीं। ओके, तो भाई ये जो लेदर की है, भाई ने यहाँ पे भी पूरा सीट कवर पूरे लेदर के कराए हैं, इनका क्या कॉस्ट होते हुए? ये अप्रोक्सीमेटली 8500 के आसपास है। ओके, ये रियर और फ्रंट की वो भी अलग से 85 है। और यहाँ अंदर भी पूरा लेदर का फिनिशिंग दिया है ना? इनको लाइनिंग बोलते हैं, ये पूरे लेदर की फिनिशिंग दी हुई है। ओके, ये मतलब एक तरह से थोड़ा सा लग्जरी लुक बनाती है इनके। ओके, इसके भाई अभी स्टेपनी नहीं है, वो निकाल रखे है, कभी मतलब कोई निकाल वगैरह ना ले। ओके, राइट, उसके लिए हाँ, काफी कॉस्टली होता है। अच्छा, इसमें कुछ पीछे से भी कुछ चेंज कराया है लाइटिंग वाइटिंग का या? नहीं नहीं, नॉर्मली पीछे से बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सेम जैसे आता है। यहाँ पे स्टेपनी होती है बस। ओके, हाँ, ये लाइट वगैरह आप चेंज करवा सकते हो, बट मैंने चेंज नहीं करवाई। इसमें LED आती है। ओके, वो आप करवा सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपए के आसपास आती हो। एक इसमें अब स्टार्टिंग में आप लेते हो, इसमें पावर विंडो नहीं आती है। Okay. पर बाहर मार्केट से आप पावर विंडो और सेंटर लॉकिंग दोनों करवा सकते हो। दोनों करा सकते हो? हाँ, इसमें ऑलरेडी फिट कराई है आपने? हाँ, ऑलरेडी मैंने करवा रखी। ओके, एंड्रॉइड सिस्टम लगवाया है तो ये चाइनीज ही। ओके, और इसमें आप कुछ भी एंड्रॉइड यूट्यूब से नेट कनेक्ट करके हॉटस्पॉट से कुछ भी चला सकते हो आप। हर चीज़ है इसमें, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो एनीथिंग एंड्रॉइड में आप यूज़ करते हो ना, वो इसमें आप चला सकते हो। बेस्ट क्वालिटी है। और JBL का आपने? हाँ, JBL की मैंने इसमें बेस ट्यूब लगवा रखी है। ओके, हाँ, एम्प है साउंड बैरियर का, जो कि सीट के नीचे है, वो अभी आपको दिखा नहीं सकते, पर साउंड क्वालिटी ब्रिलियंट। ये 4x4 का गियर है जो नीचे? ये 4x4 का गियर है, इसमें 2H होता है जो नॉर्मल चलाने के लिए होता है, इसमें एक 4H होता है, 4 हाई स्पीड होता है। ओके, इसमें प्लस आप एक न्यूट्रल भी डाल सकते हो। ओके, और फिर उसके बाद में एक 4 लो का गियर होता है, जो बिल्कुल एक तरह से मड में बिल्कुल फंस जाती है ना गाड़ी, तब यूज़ होते हैं, वो स्लोली चलता है। ओके, और 4H में चलाओगे तो उसमें थोड़ा सा गाड़ी की रनिंग फास्ट रहेगी। ओके, हाँ, तो भाई ओवरऑल ये था गाड़ी का व्यू। एक नंबर की गाड़ी है, मेरी तो फेवरेट गाड़ी है। कभी लाइफ में टाइम मिला या पैसे आए तो ज़रूर परचेज करेंगे। तो आपने गाड़ी देख लिया पूरा, और ऑफ रोडिंग भी देख लो। देख रहे हैं, हम ड्रोन फ्लाई किया था मैंने, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो केबल होता है ना कनेक्टिंग रिमोट से फ़ोन का, वो मैं घर पर भूल गया हूँ। तो देखते हैं एक बार और ट्राई करते हैं, अगर ड्रोन शॉट मिला तो कुछ आपको ज़बरदस्त ड्रोन शॉट दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो ड्रोन के साथ ही आएगी, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ड्रोन के साथ ही आएगी, और भी ज़बरदस्त आएगी। और गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, तो गाइज बहुत मेहनत लगती है वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। नीचे कमेंट करके बताना गाड़ी कैसी लगी आप लोगों को, मेरे को तो टोटली 20 लगी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू।